Hello everyone, how are you? I hope you all will be fine. My name is Reena from Jaipur Javier's Public School. Today I will tell you a story. The story name is A Humble Lion. This is your story book. So we will open page number 5 in this book. The story name is Humble Lion. Story ka name kya hai hamara? A Humble Lion. So let us start. Once the king lion was appointing various animals at different posts. He appointed cheetah as the army commander because he was the fastest runner. एक समय की बात है, जंगल में बहुत सारे एनिमल्स थे, तो जो जंगल में लायन था उसने उन एनिमल्स को अलग अलग पोस्ट पर अपॉइंट किया. उसने चीता को आर्मी कमांडर बनाया बिकॉज ही वॉज द फास्टर रनर, बिकॉज वो सबसे तेज दौड़ता था. द वाइस एलिफेंट वॉज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर. जो वहाँ पे वाइस एलिफेंट था उसको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया. ऑल द एनिमल्स गॉट देयर पोस्ट. मतलब जंगल में जितने भी एनिमल्स थे ऑलमोस्ट सबको कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंट पोस्ट दी गई. ओनली द रैबिट द टॉर्टोइज एंड द मंकी वर लेफ्ट. ओनली तीन एनिमल्स बचे, रैबिट टॉर्टोइज एंड डंकी. ऑल द अदर एनिमल्स टीज दैम एंड सेड दैट दे आर ऑफ नो यूज. जो अदर एनिमल्स थे उन अदर एनिमल्स ने रैबिट टॉर्टोइज एंड डंकी से कहा कि तुम्हारा कोई यूज़ नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई पोस्ट नहीं दी गई है. दे कैन नॉट गेट एनी पोस्ट. मतलब उन्हें कोई पोस्ट नहीं दी जा सकती. बट द किंग लायन सेड दैट दे हैव यूनिक क्वालिटीज़. बट जो जंगल का राजा था लायन, उसने कहा कि इन तीनों के अंदर एक यूनिक क्वालिटीज़ है जो कि आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है. ही अपॉइंटेड रैबिट एज अ मैसेंजर बिकॉज ही वॉज अ फास्ट रनर. किंग ऑफ लायन ने रैबिट को मैसेंजर की पोस्ट पर अपॉइंट किया बिकॉज वो कि वो सबसे तेज दौड़ सकता था, कोई भी मैसेज हो उसको फास्टली कन्वे कर सकता था. द टॉर्टोइज एज अ स्पे ऑन बॉर्डर बिकॉज ही कैन हाइड हिमसेल्फ. उसने टॉर्टोइज को बॉर्डर पर एक ऐसी पोस्ट दी जिससे कि वो अपने आप को बॉर्डर पर हाइड कर सकता था, छुपा सकता था. एंड ही टॉल्ड डंकी टू यूज हिज लाउड वॉइस एज अ बंगल कॉल. उसने डंकी को एक ऐसी पोस्ट दी क्योंकि उसकी वॉइस जो थी वो बहुत लाउड थी, जो कि बंगल कॉल का साउंड निकालती थी, जिससे कि उन्हें पता चल जाता था कि जंगल में कोई आ रहा है या कोई उनका शिकार करने आ रहा है. तो इसलिए उन्होंने डंकी को एक ऐसी पोस्ट दी जिससे कि वो लाउड वॉइस निकाल सके एज अ बंगल कॉल. द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज एवरीवन इज इम्पॉर्टेंट एंड वी शुड रेस्पेक्ट एवरीवन. इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एवरीवन इज इम्पॉर्टेंट. प्रत्येक व्यक्ति इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है. एंड वी शुड रेस्पेक्ट एवरीवन. और हम सभी को सभी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए बिकॉज एवरीवन इज इम्पोर्टेंट इन दिस वर्ल्ड. दैट्स व्हाई वी शुड रेस्पेक्ट एवरीवन. आई होप यू लाइक इट दिस स्टोरी अ हम्बल लायन. नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विथ अ न्यू स्टोरी. देन टेक